बिजनेस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्वेता टेक टिप्स चैनल को और घंटी वाले बटन को दबाइए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार ने प्लास्टिक पर काफी सारे स्टेट में बैन लगा दिया है, तब से पेपर से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आपको पेपर प्लेट बिजनेस से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर प्लेट को डिस्पोजेबल प्लेट भी कहा जाता है। कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, पूजा हो या भंडारा, हर जगह हम पेपर प्लेट थाली दोना का प्रयोग करते हैं। पेपर प्लेट की डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसे अनेक अलग अलग डिज़ाइनों में बनाया जाता है। फंक्शन के हिसाब से इसे कस्टमाइज्ड करके भी आप बेच सकते हैं। अगर बच्चों की पार्टी हो तो इसमें कार्टून कैरेक्टर प्रिंट किया हुआ पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टी थीम के अनुसार भी प्लेट पर प्रिंटिंग कर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमांड अधिक होने के कारण पेपर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इसमें कोई आशंका नहीं है कि अच्छे मार्जिन के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके एरिया में पेपर प्लेट की डिमांड ज़्यादा है तो आप इस मशीन को लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यह जो मशीन है, यह एक टाइम में 5 प्लेट का निर्माण करती है। इस मशीन से एक दिन में 20,000 पेपर प्लेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस मशीन की कीमत 1,00,000 रुपये है। इस मशीन से आप एक महीने में 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले मार्केट का सर्वे करें कि आपके एरिया में पेपर प्लेट की कितनी खपत है। इसके लिए आप अपने आसपास के मार्केट में जाकर होलसेलर रिटेलर से मिलकर पता लगाएं कि आपके एरिया में एक महीने में पेपर प्लेट के प्रोडक्शन के हिसाब से खपत है या नहीं। इसका रॉ मटेरियल आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इसकी क्वालिटी GSM पर डिपेंड करती है। आपके एरिया में कितने GSM के पेपर प्लेट की डिमांड है, उसी के हिसाब से रॉ मटेरियल खरीद कर प्रोडक्शन स्टार्ट करें। इस मशीन से 4 इंच से 14 इंच तक का प्लेट थाली बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक बार में आप 5 प्लेट्स बना सकते हैं। इसे आप अपने डोमेस्टिक लाइट यानी सिंगल फेज से चला सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल 38 रुपये से लेकर 42 रुपये किलो तक हर जगह मिल जाता है। इस बिजनेस में आपको 20 से 30% तक मुनाफा हो सकता है। पेपर प्लेट थाली और दोना को बेचने के लिए आप डिस्पोजेबल होलसेलर के साथ साथ रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल, ढाबा एवं कैटरर से संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी खुद की दुकान खोल करके भी इसे बेच सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप एक पर्सन को हायर कर सकते हैं जो मार्केटिंग का काम देख सके। इस बिजनेस में अगर लाइसेंस की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप अपने ब्रांड से पेपर प्लेट बेचना चाहते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। आप बिना ब्रांड रजिस्ट्रेशन के भी काम शुरू कर सकते हैं। आपको उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको GST नंबर भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इस मशीन की सहायता से कम समय में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप भी यह मशीन खरीदकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क करके मशीन या रॉ मटेरियल से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप हमारा हिंदी ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट swetatechtips.com पर भी एक बार जरूर विजिट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।